नमस्कार, मैं डॉक्टर संतोष आपका स्वागत करता हूं आज के इस नए यूट्यूब के वीडियो में। आपको पता है हमारा पुराना चैनल है डॉक्टर संतोष कुमार पाड़ी। हमारा सीरीज चल रहा है क्लिनिकल मेट्रियोमेडिका का, और विंटर सीजन के लिए कौन कौन सी दवाई बहुत ही इंपॉर्टेंट है उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो आज का जो इम्पोर्टेंट दवाई है वो है ब्रायोनिया आल्ब। बहुत ही इंपॉर्टेंट दवाई है, इसको गौर से देखिएगा, गौर से सुनिएगा। जो भी टिप्स मैं जो भी क्लिनिकल पॉइंट्स मैं बताऊँ सबके लिए ज़रूरी है। एक इम्पॉर्टेंट रेमेडी है ब्रायोनिया आल्बा। जी हाँ दोस्तों, ब्रायोनिया भी शॉर्ट फॉर्म में इसको बोलते हैं। तो शुरुआत से अंत तक जरूर देखिए वीडियो को, सबके काम में आएगा, बच्चों से लेकर ओल्ड एज तक कारगर साबित है ये दवाई। शुरुआत करते हैं सर से। सर्दी में आपका अगर बलगम बहुत ज़्यादा जम गया हो, सर में हेडेक बहुत ज़्यादा होता है, सर दर्द भयानक फटने जैसा सर दर्द, ऐसा लगता है कि सर मानो फट जाएगा, पूरे सर में दर्द होता है, और थोड़ा सा भी अब उसको मूवमेंट करो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, चक्कर भी बहुत ज़्यादा आता है, सब वही बलगम ड्राइनेस के कारण होता है, जितने भी साइनस के स्पेसेस हैं हमारे सर में। तो वहाँ पर अगर जो कान का यूस्टेचियन ट्यूब है वहाँ पर भी अगर बलगम ड्राई हो जाता है, जो म्यूकस है वो ड्राई हो जाता है, तो उसमें भी आपको चक्कर आने की प्रॉब्लम हो सकती है। तो सर दर्द और वर्टिगो के लिए बहुत ही बढ़िया असरदार दवाई है ब्रायोनिया आल्ब। मूवमेंट से बढ़ता है, जैसे आप पूरा स्टैंड स्टिल रहो, स्थिर रहो, प्रॉब्लम में आराम मिलता है। ठीक उसी तरह नीचे आते हैं तो गले में दर्द, खांसी वगैरह, थ्रोट इरिटेशन होता है, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा कारगर साबित है। ड्राइनेस को ख़त्म करता है, जैसे हमने अल्बुमिना में पढ़ा था उसी तरह से ड्राइनेस रहती है पूरे बॉडी में ब्रायोनिया आल्बा के। फिर नीचे आते हैं तो चेस्ट में बहुत ज़्यादा पेन होता है ड्राइनेस के कारण, जो प्लूरल मेम्ब्रेन है हमारा लंग्स का ऊपर की तरफ का कवरिंग है वहाँ पे सूजन आ जाता है, ड्राइनेस आ जाता है, तो वो जितने भी आप खांसते हैं वो सीने में दर्द होता है, छाती में, बलगम में, साइड में, पीछे की तरफ, पूरे जो रिब केज है चारों तरफ वहाँ पर दर्द होता है, पसलियों में पूरा खींचने जैसा दर्द होता है। थोड़ा सा भी आप खांसे भयानक दर्द शुरू, जैसे ही आप खांसना बंद वो कोई दर्द नहीं, खांसते ही वो खींचने लगता है पूरा वो पसलियाँ चारों तरफ से, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा दर्द होता है, तो प्लोराइटिस भी हो जाता है, सूजन अंदर हो जाता है, तो उसको ये दूर करता है। ठीक है, फिर उसके नीचे हम आते हैं एब्डोमेन में, कॉन्स्टिपेशन भयानक होता है, कब्जियत बहुत ज़्यादा दिक्कत रहती है, पानी प्रॉपर तरीके से विंटर सीजन में लोग नहीं पीते, तो इससे क्या होता है ड्राइनेस हो जाता है, जो मल होता है वो पूरा जाम हो जाता है, और उसको जाने की हाजत भी नहीं होती, अगर जाता भी है तो प्रॉपर तरीके से निकलता नहीं है, बहुत ज़्यादा प्रेशर देना पड़ता है, और उससे क्या होता है कभी कभी पाइल्स की दिक्कत भी हो जाती है। तो इस तरह का जो भी समस्या है बॉडी के ड्राइनेस में बहुत ही बड़े काम देता है। फिर आते हैं हम जो इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो है रिमाटिज्म, ऑस्टियोआर्थराइटिस। जितने भी जोड़े हैं हमारे बॉडी में, जोड़ों में दर्द होना, सूजन आ जाना, स्वेलिंग होता है, रेड रेड करके वो पूरा सूज जाता है, वो एरिया स्टिफ हो जाता है पूरा, मूवमेंट नहीं कर पाता, वहाँ पर आप थोड़ा सा भी मूवमेंट करो वो भयानक दर्द होने लगता है, उसको चीरने फाड़ने जैसा दर्द होने लगता है। किसी भी जॉइंट में क्यों ना हो, घुटनों में हो, एंकल जॉइंट में हो, कलाई में हो, कोहनी में, कंधों में, कहीं पर भी अगर आपको देखे वो सूज गया है, वहाँ पर रेड हो गया है, या फिर थोड़ा सा भी मूवमेंट करने से वो जोड़ों में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, तो बहुत ही बढ़िया काम करेगा ब्रायोनिया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जिसमें ब्रायोनिया का एक्शन आता है, और भी बहुत सारे हैं, आप मेट्रियोमेडिका देख सकते हैं, लेकिन विंटर सीजन के लिए जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने यहाँ पर जिक्र कर दिया क्लिनिकल जो पॉइंट्स है। अब पोटेंसी की बात कर लेते हैं, क्योंकि ये एक्यूट दवाई है, 6/12/30 में आप दे सकते हैं, बच्चों को 6/12/30 भी आप यूज़ कर सकते हैं, बड़ों में भी कर सकते हैं, लेकिन इसको लोअर पोटेंसी में आप रिपीट कर सकते हैं, ये उसका बेनिफिट है। हर 10-10, 15-15 मिनट में एक्यूट कंडीशन में आप उसको रिपीट कर सकते हैं, जैसे ही आपके कंडीशन में सुधार आ जाए फिर आप उसका ड्यूरेशन बढ़ा देना। मान लो अभी 10-15 मिनट में ले रहे हैं, फिर उसके बाद 2 घंटे 3 घंटे ऐसे करके दिन में 2 बार ऐसे करके आप 10-15 दिन में उसको बंद कर सकते हैं, दिन में 2-2 बार करके। जैसे ही आपका कंडीशन में देखिए इम्प्रूवमेंट आना शुरू होता है, आप उसका अगर हो सकता है तो 4-5 दिन में उसका पोटेंसी भी बढ़ा सकते हैं, 200 में ले सकते हैं, 200 का ज़्यादा रिपीट नहीं करना, दिन में 2-3 बार करके आप 2-3 दिन ले सकते हैं, क्योंकि एक्यूट दवाई है, आप इसको 2-3 बार 4 बार तक रिपीट कर सकते हैं, कोई उतना साइड इफेक्ट नहीं होगा। जो डीप एक्टिंग पोलिफ्रेस रेमेडी होता है जैसे कि कालक्रियाकार, फॉस्फोरस, नाइट्रिक एसिड, ये सब दवाइयों आप बहुत ज़्यादा रिपीट करेंगे तो एग्रेवेशन होगा, लेकिन ब्रायोनिया एक्यूट दवाई है, आपको उसको रिपीट कर सकते हैं 1-2 दिन तक, कोई प्रॉब्लम नहीं, दिन में 3 बार 2 दिन तक ले लीजिए, रिलीफ हो जाएगा, फिर उसको बंद कर देना। 15-20 दिन तक देखिए, अगर आपको और भी इम्प्रूवमेंट चाहिए और वो रेमेडी आपके लिए सिमिलिमम है, मतलब उसका सिम्टम्स आपके सिम्टम के साथ ज़्यादा मैच खाता है,
ठीक है, प्यास बहुत लगना, इस तरह का जो भी मूवमेंट से बढ़ना, ये सब सिम्टम्स अगर आपसे मैच खाता है तो आप उसका 1 mg का सिंगल डोज भी लेकर बंद कर सकते हैं। एक्शन बहुत दिनों तक रहेगा और आपको रिलीफ बहुत बढ़िया मिलेगा। विंटर सीजन में एक बहुत ही बढ़िया दवाई है ब्रायनियाल, तो ऐसे ही बढ़िया बढ़िया दवाई हम आने वाले दिनों में पेश करेंगे। आप बने रहिए मेरे चैनल के साथ, दोनों चैनल के साथ, तो पुराना चैनल है डॉक्टर संतोष कुमार पाड़ी, ये चैनल जो हम कर रहे हैं अभी, और लाइव भी इसमें हम आ रहे हैं दोपहर 2 बजे से 5 बजे के बीच, या फिर शाम को कभी भी हम कर सकते हैं। आप नोटिफिकेशन बेल जो आइकन है उसको ज़रूर ऑन रखना, आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा जब भी मैं लाइव आऊँ। और जो नया चैनल है डॉक्टर संतोष हेल्थ केयर इंटरनेशनल, उसमें हम शॉर्ट वीडियो आप डाल रहे हैं, जो इंपॉर्टेंट क्लिनिकल पॉइंट्स है, छोटे छोटे वीडियो डाल रहे हैं, आपके लिए महत्वपूर्ण है, जानना बहुत ज़रूरी है, तो उसको भी ज़रूर देखिए। और डिजीज के ऊपर भी बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी है उसमें, उसको भी आप देख सकते हैं, डॉक्टर संतोष हेल्थ केयर इंटरनेशनल। तो दोनों को आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जो है उस पर जरूर क्लिक कर लें, जब भी नया वीडियो मैं अपलोड करूँ तुरंत आपको नोटिफिकेशन के द्वारा यूट्यूब बता देगा। तो आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको होम्योपैथी का प्रचार और प्रसार करना है तो ज़रूर अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।